Bala Hare Krishna Hare Jwandare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Bol. Hum log Guru Vaishnava ke anugatya mein Sri Dham Vrindavan parikrama karte abhi jis mandir mein hum upasthit hue hain ye mandir ka naam Radha Gokulananda mandir hai. लेकिन यहाँ पर अभी माधव महाराज जी बता रहे थे यहाँ पर बहुत सारे गोस्वामियों का विग्रह है, कम से कम 5 गोस्वामियों का यहाँ पर श्री सेवित विग्रह है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि हम इधर उधर किसी संप्रदाय में नहीं जा करके श्रीमन महाप्रभु का लाइन में आए हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यवान समझो। ये पूरा वृंदावन है ना, ये हमारी वृंदावन है, ये वृंदावन किसकी संप्रदाय का नहीं, यद्यपि 4 संप्रदाय का मंदिर है लेकिन पूरा वृंदावन समझो ये गौड़ीय वैष्णव का, जहाँ जहाँ हमारे ठाकुर, कहीं गोविंद देव, कहीं गोपीनाथ, कहीं मदन मोहन, कहीं राधा, कहीं राधा श्याम सुंदर, कहीं राधा गोकुलानंद, ये पूरा वृंदावन में हमारे गोस्वामियों का ठाकुर पूरा घर घर बैठे हुए। अगर और किसी किसी का मंदिर अगर हो, जैसे यहाँ के जो 3 ठाकुर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, पूरा वृंदावन का यही 3 राजा है, जैसे उस तरफ में बांके बिहारी, लेकिन उनको टैक्स देना पड़ता है मदन मोहन जी, टैक्स ना क्यों, राजा यहाँ के बीच में गोपीनाथ है, इनके आसपास में और जितने मंदिर है, भगवान का मंदिर क्यों नहीं हो, ठाकुर जी का क्यों मंदिर नहीं हो, उनको श्री गोपीनाथ को टैक्स देना पड़ता है। दूसरे तरफ में श्री गोविंद देव है, श्री जो रंग जी का जो मंदिर है वहां पर नारायण है, उनको टैक्स देना पड़ता है, श्री गोविंद देव को वहां टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि जो वृंदावन का जो राजा है ये गोविंद गोपीनाथ, ये वृंदावन के ये राजा, ये 3 ठाकुर राजा है, और चारों तरफ में देखो हमारे ठाकुर है। इसलिए किसी दूसरे संप्रदाय में देखो कहीं एक आध बड़े कष्ट से कहीं एक मंदिर होगा, है जैसे बांके बिहारी एक मंदिर है, एक मंदिर वहां पर है, ये श्री निम्बार्क संप्रदाय का एक मंदिर है, अगर कहीं रामानुज मंदिर देखोगे एक श्री रंग जी मंदिर है, हैं अगर दूसरे श्री विष्णु स्वामी मंदिर को देखोगे कहीं यहाँ पर है, लेकिन अगर हमारे श्री गौड़ीय वैष्णव का ठाकुर देखो, इतने ठाकुर कितना दिन से हम भ्रमण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अभी तक भी ठाकुर का हम समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु इसी जगत में जब आए पूरा गोलोक वृंदावन संपूर्ण श्वेत दीप अपना निकुंज मंदिर को यहाँ पर उन्होंने उतार दिया, पूरा के पूरा निकुंज मंदिर को इन्होंने उतार दिया। इसलिए सबके सब महाप्रभु का परिकर, कोई ललिता, कोई विशाखा, कोई चंपकलता, कोई तुंग विद्या, कोई इंदुलेखा, सबके सब मंजरी सखियां सबके सब उतर करके आ गए, इसलिए इनका सारे ठाकुर इनके ही है। इसलिए इसी मंदिर में जो आप लोगों ने दर्शन किया है, यहाँ पर नाम तो श्री गोकुलानंद जी, जो कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये सभी तब विग्रह है, और ये राधा कुंड से ही, ये ठाकुर जी स्वयं राधा कुंड से ही उन्होंने स्वप्न दिया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, यहाँ से ये ठाकुर को प्रकाशित करो। जब उन्होंने स्नान करने के लिए गई, ठाकुर जी हाथ में आए, ठाकुर जी आते से दे रहे हैं, मेरे सेवा करो, बोले मैं तो साधु हूँ, किसी शर्त माधुरी करके आपका जीविका निर्वाह करता हूँ, फिर आपको सेवा पूजा कैसे हम करेंगे। ठाकुर का सेवा पूजा करने के लिए नित्य नियमित रूप में ठाकुर को भोग लगाना, संध्या आरती, मध्यान्ह आरती, उनको राजभोग, ये सब सेवा करना पड़ेगा, आप कहाँ से करेंगे। बोले कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को साथ में ले चलो, मेरे सेवा तो मैं स्वयं देख लूंगा, तुम्हें देखने का जरूरत नहीं, मैं सब कुछ व्यवस्था मैं कर दूंगा। ठाकुर इनको साथ में डायरेक्ट, ठाकुर जी इनसे बात करते थे, ठाकुर जी इनको साथ में कहते, ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे संप्रदाय में, इनको बताया गया श्री रूप गोस्वामी ने ही, जो हमारी रसी का आचार्य रूप गोस्वामी ने ही ये दूसरे रूप में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में आते हैं, इसलिए इनका नाम है विश्वनाथ। विश्वनाथ मतलब संपूर्ण विश्व का जो नाथ है, कहते जब तक इनकी भागवत गोबर में इनका टीका है, कि जब तक इनकी टीका को कोई अध्ययन नहीं करते ना, तब तक रसिक कोई नहीं बन सकते। अगर रसिकता बनना तो इनको टीका को पढ़ना पड़ेगा, अद्भुत इनकी टीका है।
है अद्भुत निकटिका श्री विश्वनाथ गुरु ठाकुर को उन्होंने जो भागवत का पहला श्लोक को उन्होंने जो व्याख्या करते हैं दूसरे संप्रदाय श्री वल्लभाचार्य उनको कृष्ण पर व्याख्या करते हैं सत्यं परम धीमहि कहते वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं क्योंकि जब कृष्ण मातृ गर्भ में आए 33 करोड़ देवता उनको क्या बोल करके सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य स जोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपद्ये उनको सत्य सत्य त्रिकाल सत्य बोल करके उनको प्रणाम किया। इसलिए कहते कृष्ण पर ग्रंथ है इसलिए जन्मादस्य जत जिनसे सृष्टि प्रणाम। लेकिन यही श्लोक को जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं बोले भैया ये भागवत में कृष्ण को पहले प्रणाम नहीं किया किसको प्रणाम किया बोले सत्यंग परम धीमहि ये जो परम सत्य ये परम सत्य कौन है बोले देवी कृष्णमय प्रोक्ता राधिका परदेवता ये परम सत्य को परम च पराम च परा परा बोल करके कृष्ण का जो पराशक्ति श्री राधा रानी को यहाँ पर स्थापन करते हैं। इसलिए जन्मादस्य मतलब जिनसे ये आदि रस ये श्रृंगार रस जिससे अद्भुत रूप में व्याख्या करते अद्भुत रूप में कहीं भी श्लोक हो। इसलिए हमारे श्रील भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जब जब कोई बात करते थे वो कहते थे जो एक दो बात में बोलता हूँ ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बात है। इसलिए वृंदावन में एक बहुत बड़ा विद्वान श्री रामानुज संप्रदाय बहुत बड़े विद्वान रामानुज संप्रदाय का सबसे बड़ा मूर्धन्य विद्वान आया था। वो कह रहा था मैंने भागवत पढ़ करके बहुत सारे जगह में मेरे मन में शंका आया क्योंकि उन्होंने गोपियों के प्रति उन्होंने कुछ कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किया है जो प्रयोग नहीं करनी चाहिए जैसे व्यभिचारी शब्द कुछ प्रयोग किया इसे। लेकिन उन्होंने कह रहे वो सोच रहे थे मैंने बड़े बड़े विद्वानों के पास में गया भैया गोपियों के प्रति ऐसे शब्द क्यों प्रयोग किया ये गोपियां तो कोई साधारण है नहीं ये आनंद सिन्मय रस प्रतिभाविता भी ये राधा जी की ये कायम विवाह ये गोपियां हैं इनके प्रति ये शब्द क्यों प्रयोग किया। मैंने बहुत जगह पर घूमे लेकिन मेरे को कोई इसका मीमांसा कोई नहीं बोल पाए। लेकिन जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका को हमने पढ़ा वहीं पर केवल मेरे मन की जितने शंकाएं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मेरे सारे शंका को दूर किया अद्भुत रूप में। इसलिए हमारे गुरुदेव महाराज भी उनसे मिलने के लिए आए थे हमारे महाराज से भी ये बात बता रहे थे अद्भुत। इसलिए ये जो महापुरुष श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनके मन में एक शंका हो गई शंका की विषय ये था कि जो काम गायत्री जो मंत्र है इसको बताया 26.5 अक्षर साढ़े 26 अक्षर इसी में अंदर में 26.5 अक्षर है उनको मंदिर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बोले अभी उन्होंने वो तो बड़े विद्वान है उन्होंने देखे यहाँ तो 26 अक्षर हो रहा है और ये 25.5 अक्षर हो रहा है इसमें तो 26.5 अक्षर दिख नहीं रहा है क्यों जो हाँ इसलिए जो जो काम गायत्री साक्षात भगवत स्वरूप ग्रंथ अतः मेरे को समझ में नहीं पाए सारे ग्रंथों को ढूंढ लिए अभी सोच रहे हैं जब तक इसी मंत्र का अर्थों को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक इसका अधिष्ठात्री देवता कैसे प्रकट हो। इसलिए एक बार दुखी होकर के वो आत्महत्या करना चाहते थे राधा कुंड में इतने में स्वयं राधा रानी रात को प्रकट हुई स्वप्न में बोले हे हरिवल्लभ हे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्णदास कविराज गोस्वामी मेरी मंजरी कस्तूरी मंजरी ना इसलिए ये कस्तूरी मंजरी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कृष्णदास गोस्वामी और मेरी नित्य मंजरी है हैं जो भ्रम प्रमाद कर्णापाट और विप्रलिप्सा वो केवल बद्ध जीव में होता है ये कभी नित्य मुक्त जीव में ये चीज नहीं होती है। इसलिए एक वर्णाग्रम भास्कर के व्याकरण है तो उसी व्याकरण में जाकर के देखो वहां पर बताया कौन सा अक्षर आधा है हाँ कौन सा अक्षर आधा वहां पर बताया उन्होंने मेंशन किया है ये अक्षर आधा अक्षर है काम गायत्री में है। इसलिए इनको राधा रानी और इन्होंने जो परिज्ञावाद को स्थापन की कुछ लोगों ने इनको पर बिगड़ गए ये कहा ये परिज्ञावाद को सारे मतवाद को खंडन करते हुए रूप गोस्वामी की विचारधारा और सारे गोस्वामी को विचारधारा का जब स्थापन कर रहे थे उस समय कुछ बाबा जी सहजिया लोग थे वो बिगड़ गए ये कहा ये परिज्ञावाद को स्थापन करता है उनको मारने के लिए भी कोशिश की मारने के लिए। लेकिन इतने में श्री विश्वनाथ ठाकुर आते हुए देखे वो छुपे हुए थे मारने के लिए लेकिन पास में आते ही ना देखा एक बड़ी सुंदरी 13 साल की कम उम्र की एक बड़ी सुंदरी के गोपी है और एक फूल की
झड़ी लेकर जा रही है, छुड़ी लेकर के जा रही है। इतने में उन्होंने बोले, आपने देखा है अभी अभी ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आ रहे थे। उन्हें थोड़े मीठे मीठे मुस्कुरा दिए, लेकिन जब थोड़ी दूर गए ना, देखा फिर वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर तो ये समझ गए, अरे हम तो इनको साधारण कोई जीव समझ रहे थे, लेकिन ये तो कोई मंजर स्वरूप है। इसलिए इनकी अद्भुत, इसलिए इनकी यहाँ पर सभी विग्रह जिनके नाम पर राधा गोकुलानंद है, आप लोगों ने बीच में जो दर्शन किया, ये श्री माने चैतन्य महाप्रभु, ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर का ये सभी विग्रह, आज इनकी तिरुभावनाभिभाव, आज इनकी तिरुभाव तिथि है। कभी जो नरोत्तम दास ठाकुर जी जिस समय श्री माने चैतन्य महाप्रभु एक पूर्व बंगाल में नदी जिसका नाम पद्मा नदी, महाप्रभु जो वहां पर पूर्व बंगाल में गए थे, उस समय महाप्रभु ये नदी को बोले थे, बोले नदी एक दिन यहाँ पर एक बहुत बड़े महापुरुष आने वाले हैं, कहते उनका नाम श्री नरोत्तम दास ठाकुर, मैं अपना प्रेम तेरे पास में रख करके जा रहा हूँ, जब ये महापुरुष आए ना ये प्रेम उनको दे देना। पद्मा प्रश्न कर रही है, हमें पता कैसे चलेगा यही महापुरुष? बोले देखो जिस समय वो आएगा उनकी केवल चरण स्पर्श होते ही तुम्हारी पानी अपनी आप उफरने लग जाएगी, अपनी आप उफरने लग जाएगी, फिर तुमको पता चलेगा वही वही महापुरुष। जब नरोत्तम दास ठाकुर आए, चरण का स्पर्श होते ही वो अपनी आप पानी उफरने लग गया, अपनी आप पानी उफरने लग गया। उफरते हुए जिस तरफ में एक हवा आई, वो पानी को उफनते हुए, पानी को स्पर्श करते हुए, वो जिधर वो पानी चली गई, वो हवा जिस तरफ में चली गई, इतने प्रभाव केवल उनके प्रेम की जितने हमारे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव जैसे हैं, भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, और जितने हमारे गुरुवर्ग पूर्व बंगाल से आए, वो जिधर हवा केवल चली गई थी उधर से ही ये सारे महापुरुष आए। पूर्व बंगाल में बहुत स्थान है, लेकिन सबका हृदय में भगवत भक्ति नहीं, जिस तरह पे हवा गई है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर इनकी अद्भुत शक्ति इनकी इनके अंदर में, इनको श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का प्रेमावतार इनको बताया गया है। इसलिए इनके जो ग्रंथ है जिसका नाम श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, इसलिए प्रभुपाद कहते थे भैया कृष्ण प्रेम को कौन पाना चाहते हो, हाथ उठाओ, जरा जरा कृष्ण प्रेम के पेते जाए हाथ उठा, एक ने सबाई हाथ उठिए छे, हमारा कृष्ण प्रेम पेते जाए, हमारा कृष्ण प्रेम पेते जाए। तखन तिनी प्रभुपाद बोलते देखो एक आना है ना तुम्हारा कृष्ण प्रेम, एक आना है पी जावे, बोले एक आना है माने 6 पैसा दे, बोले माने की, बोले माने वो लोग एनार जे ग्रंथ बैठा लो प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ, जार दाम होलो 6 पैसा, केवल 6 पैसा दिए केवल वही ग्रंथ टिकड़ी नहीं आस, আর নিয়ে এসে না কেবল ওই গ্রন্থটি পড়ো, আর কিছু করতে তোমাদের লাগবে না, যদি ওই গ্রন্থটি পড়ো তোমার হৃদয় মধ্যে প্রেম হয়ে যাবে, অদ্ভুত ওই গ্রন্থ। এই জন্য আমার অধিকাশ যত কীর্তন আমরা করি, এনারে কীর্তন যখন যে শ্রী গুরু চরণা পদ্ম কেবল তাকি সমা আমরা যে প্রত্যেক দিন গাই আর কি গৌরাঙ্গ বলিতে হবে ফুল কষ্টরীরা হরি হরি বলিতে না জ্ঞানী ভাবে নীরা আর কবে নিতাই জানতে করুণা হইবে সংসার বাসনা রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা যোগল কিশোর জীবনী মরণে গতি এনারি কীর্তন মানে প্রত্যেক দিন আমরা এনারি কীর্তন আমরা প্রত্যেক দিন মন্দিরে এনারি কীর্তন করি আর তিনি যখন লালা লালসা মৈতিনি কীর্তন করছেন অদ্ভুত রূপে কখন এরকম দিনে হবে কখন কি রাধা রানীর চরণের আমি নূপুর হয়ে জন্ম নেব রাধা রানী তিনি যখন পায়ের মধ্যে নূপুর পড়ে যখন ছম 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 করে হেঁটে যখন যাবেন দেখবেন নূপুরের কত সুন্দর আওয়াজ হয়
मायरा के ना बियर पर निपुर पड़े कारण की जाने तो यही जने बियर पर निपुर पड़े पियो हवर आगे एकटा हाथे संख्या ताकि खुद पियो हवर पर पूरा हाथे संख्या पड़े काच पड़े के ना ये जो नुपुर पड़े छम 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 कर चले ना वही पतरी कहने पड़े अरे पतरी कहने पड़े बड़े खुशी है ओ हमारे बहु हमारे स्त्री पाए हमारे हमारे स्त्री पाए नुपुर बड़े तिनी हाट से ए जने तिनी बोल छे कखन होबे हम राधा रानी सही पाए रे आमी नुपुर होई जर्मनी वो राधा रानी पाए नुपुर जखन गोविंद रे काने पड़िबे तखन गोविंद तिनी कत प्रसन्न ए त तिन नुपुर जने प्रार्थना कर छे ए जने एनआर कीर्तन होलो हरि हरि विफल जनम बोआइनो पाया मानव जन्म अच्छा ना मानो सजनामा पाया राधा कृष्ण नाभ दिया जानिया सुनिया बेस खाइनो एनारे कीर्तन अद्भुत कीर्तन एजने एनर सब कीर्तन अमर जते प्रत्येक दिन कीर्तन गाई ना ये समस्त हरि बोलब आर मदन मोहन हे रिवगो एई रूपे ते ब्रजर पथे चलिबगो हरि बोलब हर मदन मोहन सब एनर अद्भुत प्रभुपाद बोलचन त मात्र किछु करता हो ना केवल ओई एक कीर्तन रे ग्रंथ नी ऐसे केवल प्रत्येक दिन पढ़ो एजने वास कृष्ण प्रेम एजने एनर नाम होचे प्रेम भक्ति चंद्रिका जो प्रेम भक्ति की चंद्रिका स्वरूप ये ग्रंथ है अद्भुत एजने श्री नरोत्तम दास ठाकुर अद्भुत चरित्र हमारा जखन ओई लोकनाथ दास गोस्वामी भजन पुटरी जाब तखन पढ़ो देखो अद्भुत उनकी भाव तिनी ए शरीर छाड़े जखन तिनी स्नान कर शिशरा शिशरा एना के गाय गाय थे हाँ जे रकम गाय की बोले बांगला थे गाय माखिए स्नान कराए ना गाय तेल माखिए स्नान कराए उन्हें के स्नान करा छे स्नान कराते 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 शरीर धीरे धीरे गोलाता आरंभ कर सर तेरे और दूधरे में तो गोलाता आरंभ कर छे और गोलाते 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 स्वस्थ से और एक मैं अंतर ध्यान के ना तीनों होले चैतन्य महाप्रभु तीनों होले प्रेम अवतार तीनी ऐजने तीनों ओना ओनार जे अद्भुत ओनार महिमा तिनी संपूर्ण जीव गोस्वामी अधिनेते वृंदावन से कन अध्ययन करे आर तिनी मणिपुरे जाए आर मणिपुरे किए तार जे प्रचार ना तिनी संगे संगे राजा के किए तिनी घर जाए वहां जाकर उन्होंने डायरेक्ट राजा को उन्होंने पकड़ लिया राजा को ही अपना चेला बनाया अगर राजा अगर चेला हो जाए प्रजा तो अपने आप हो जाएंगे इसलिए संपूर्ण मणिपुर को जैसे कोई कोई हमारे भक्त लोग प्रचार किए हैं लेकिन सबको कोई भक्त नहीं बनाए पूरा स्टेट को कोई भक्त नहीं बनाए कुछ भक्त बने कुछ नास्तिक निकलते हैं लेकिन इनकी इतना प्रभाव था संपूर्ण मणिपुर को उन्होंने बदला दिया अभी भी मणिपुर यह मंदिर है हमारे नवदीप अठारह लाख उन्होंने वैष्णव बनाए वहां पर अभी भी वहां के माताएं इसलिए बोले 22 लाख पॉपुलेशन में उन्होंने 18 लाख लोगों को उन्होंने वैष्णव बना दिया और अभी भी वहां के स्त्रियां तिलक हमारे गौड़ीय तिलक है और हमारे जो तिलक है ना ये हमारे नरोत्तम दास ठाकुर का तिलक हम जो तिलक लगाते हैं ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर का ही हम लोग परंपरा में ही हमारी तिलक है अभी भी वहां के माताएं गौर के वस्त्र पहने धारण करते हैं ऊपर में सफेद नीचे गौर के वस्त्र अभी भी धारण करती है वहां के अद्भुत वहां महाप्रभु का मंदिर में जब कीर्तन होता है 108 मृदंग एक साथ में 108 मृदंग बजती है जिसमें महाप्रभु का आरती होता है अद्भुत इनकी पराक्रम है इसलिए इनका ये विग्रह है यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब श्री कहाँ पर गए थे श्री जगन्नाथपुरी में थे महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को जब यहाँ पर भेजे तब उन्होंने दो चीज दे करके भेजे थे एक है श्री गिरिराज शिला और एक है गुंजावाला बोले हर रघुनाथ ये जो गिरिराज शिला नहीं ये स्वयं श्री कृष्ण है ये गुंजावाला नहीं ये स्वयं श्री किशोर जी से राधा रानी इसलिए उन्होंने ये दो जो चीज दिए थे अभी भी इसी मंदिर में उनका दर्शन है इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु तो स्वरूप रघु कहते हैं उनको स्वरूप दामोदर को चरण में इनको दे दिया एक दिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी
महाप्रभु बोले प्रभु आपकी मुखार बिंद से मैं डायरेक्ट कुछ उपदेश सुनना चाहता हूँ, मेरे को कुछ उपदेश दो। फिर महाप्रभु एकदम चार पांच लाइन में समझो पूरा जो शास्त्र का जो निचोड़ है उन्होंने केवल दो चार लाइन में दे दिया। बोले देखो ग्राम्य कथा ना कही बा, ग्राम्य कथा ना सुनी बा, भाल ना खाई बा और भाल ना पड़ी बा, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करवा। इतने अगर हम जीवन में उतार लेना हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। पहला नंबर क्या है, बोले ग्राम्य कथा ना कही बा, हम सावधान रहनी चाहिए। ऐसे नहीं जब एक जगह पर बैठ गए उसका बेटी बेटा सारा दुनिया की बात हमने बोलने लगे, नहीं ये चीज को काट बांध कर रखनी चाहिए। आन कथा ना बोली बा, आन कथा ना कही बा, यदि मिली बे आने भक्त विनोद ठाकुर तिनी बोलचे कृष्ण कथा छड़ा अन्य कथा बोल बना। ये जने बांग्ला एटा कीर्तन आछे ना, चार मुखे भाई कृष्ण कथा नाही तार मुखे कभी चाहियो ना, एटा भजन आछे ना। ये जने बेखाने बोलचे जे ग्राम्य कथा ना बोली बा, ग्राम्य कथा बोली बना आर ग्राम्य कथा ना सुनी बा, बैठ करके सारा दुनिया की इधर उधर की। अब विशेष करके ये कार्तिक महीना है, ये नियम सेवा है, इसी महीना में क्या करनी चाहिए, एक कुछ नियम लेनी चाहिए। नहीं इसी महीना में हम कभी भी कृष्ण इतर कथा बोलेंगे नहीं, कृष्ण इतर कथा कभी हम सुनेंगे नहीं। ऐसे नहीं बैठ करके सारा दुनिया की उल्टा पुल्टा नहीं, इसलिए कथा व्याघ्र सर्वात्म के लिए नहीं, बस कथा व्याघ्र मुक्ति में आकर असत वार्ता वैश्या विसृज, इसलिए मति सर्वसहारिणी। कहते जो कृष्ण कथा को छोड़ करके जो कथा है उसमें बताया वैश्या, वैश्या किसको कहते हैं जो अपना पति को छोड़ करके दूसरों को अपना पति मानती हो, वैश्या है। इसलिए जो जीवा किसके है, इसलिए बोले जीवा असती, ये जीवा असती दार्दुर्गव सुत, ये जीवा से कृष्ण कथा छोड़ करके जब हम दूसरे कथा बोलते हैं कहते ये जीवा असती, ये जीवा असत्य जीवा है। क्यों, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, अतः कृष्ण कथा छोड़कर और कोई बात नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए भाल ना खाइबे और भाल ना पड़ीबे, बोले भाल बढ़िया बढ़िया मत खाओ और बढ़िया बढ़िया मत पहनो। अगर ज्यादा बढ़िया बढ़िया खाएंगे क्या होगा, शरीर में ज्यादा तेज आएगा, फिर तो शादी करने की इच्छा होगा, इसलिए शादी करने के लिए इच्छा होगा। इसमें गुरुदेव बोल रहे थे कोई एक ब्रह्मचारी जयपुर में गया और वहां पर श्री गोविंद देव का ना लड्डू खाए और प्योर घी के लड्डू खाए, लड्डू खाए तो खा खा कर शरीर तो तेज एकदम मोटा हो गया, और शरीर मोटा होगा तो फिर क्या करेगा, इधर उधर भागेगा फिर है, इसलिए इधर उधर भागेगा फिर स्त्री संघ की पिपासा से। इसलिए श्री गुरु ने बोले तो गुरु जी को, बोले गुरु जी बोले इधर आ जाओ, आ करके यहाँ पर व्रत रखो और दिन में एक बार उबाल कर खाना खाओ और एक लाख नाम करो नींबू पानी पियो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं देखो हम भगवान की प्रसाद खाते हैं, कहते ना महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मण वैष्णव स्वल्प पुण्य बतराजन विश्वास, तो फिर ये भगवान की प्रसाद पा करके अगर किसको शादी करने की इच्छा हो रही है, मंदिर में आए घर बार दुनिया छोड़ करके भजन के लिए आए और यहाँ पर रह करके फिर उसका इच्छा और हम जाकर शादी करें, इसका मतलब क्या है, कहते विषय अन्न खाइले मलिन है मन और मलिन हैले मन ना है कृष्ण स्मरण। इसलिए प्रसाद नहीं, हम भोग बुद्धि से उसको सेवन करते, प्रसाद बुद्धि से उसको सेवन नहीं कर रहे। इसलिए खा पी करके फिर शादी करने की मंदिर में आठ दस साल बीस साल रह करके फिर शादी करने के लिए इच्छा होती है, नहीं। इसलिए हमें साधु सावधान, हमें उतना भजन साधन करनी चाहिए उतना, जो व्यक्ति पैसा देते ऐसे नहीं देते थे घुमा, इसलिए भक्ति प्रज्ञान कैसे हो गोस्वामी महाराज जी बोले ना भाई 25 रुपया लाए 20 रुपया दे, बोले 5 रुपया क्या किया, बोले मेरे को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहते ये पैसा नहीं ये जहर है, एक व्यक्ति जब 5 रुपया देता है ना वो मेरे घर में ये हो जाए, घर का परेशानी, हमारे लड़की की शादी हो जाए, बिजनेस नहीं लगे, पैसा नहीं, ये जहर है, इसको तुम हजम नहीं कर सकते हो। इसलिए कभी भी भिक्षा का उपलब्धि वस्तु बात कोई हमें पैसा देता है वो पैसा को नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो ना ये फाल बनकर के सुई है बनकर घुसेगा और फाल बनकर के निकलेगा, ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे। इसलिए इस सब चीज को सावधान रहनी चाहिए, नहीं तो फिर घोर संसार में फिर जाना पड़ेगा हमें।
इसलिए इस चीज को सावधान रहनी चाहिए। इसलिए साधु विशेष करके भी कार्तिक महीना ऐसे नहीं, गुरुदेव बोल रहे थे ना कि ये शादी का महीना नहीं, कौन सा लड़की आए, ब्रह्मचारी को क्यों ढूंढते हैं, कौन सा लड़की यहाँ पर आए देख करके शादी करे। अरे कहा ये व्रत के महीना, हाँ भजन करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो, तो इसलिए गुरुदेव अक्षम घुसा होकर बोले मथुरा मठ में कहते ये शादी का महीना नहीं, हम यहाँ मिलने के लिए आए, कौन ये छोकरा आई, कौन छोकरी आई, लड़की आई, ये नहीं, ये स्थान नहीं है, यहाँ पर आए हो एक महीना व्रत करने के लिए, भजन करने के लिए, छोकरा छोकरी को यहाँ देखने के लिए तुम नहीं आए। गुरुदेव बड़ी डांट लगाए, इसलिए कहते भालो ना खाई हो और भालो ना पढ़ी हो, इसलिए बढ़िया बढ़िया अगर पहनोगे ना 10 बार शीशा के सामने खड़े होकर देखोगे कैसे लग रहा हो, और जो इसलिए जब रास्ता में चलोगे आज इतने बढ़िया कपड़ा साड़ी पहने मेरे तरफ में कोई देख इसलिए अगर ये सब करे तो भजने में कहां मन लगेगा, मन तो इधर उधर भटकेगा ना, मन इधर उधर जाएगा, इसलिए कहते भालो ना खाई और भालो ना बड़ी वे ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे, इसलिए ब्रजे राधा कृष्ण का सेवा मन में राधा कृष्ण, इसलिए बहुत बहुत सीखा है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि महाप्रभु धारा में हम लोग आए हैं, बड़े सौभाग्यवान जो हमारी गोस्वामियों ने इतने सारे ठाकुरों को प्रकाशित किया है, हम इतने कथा सुन रहे हैं, हम लोग बड़े भाग्यवान। इसलिए आज सब वैष्णवों के चरण में प्रार्थना करें, सारे वैष्णव हमारे ऊपर आशीर्वाद करें, कृपा करें, हमारा हृदय में जो विषय वासना ये दूर हो जाए और हृदय में साधु गुरु वैष्णव की सेवा हृदय में प्रकट हो। एक जीवन मेरे गुरु जी कहते थे किसी तरह से एक जीवन वैष्णव का चरण में पड़े रहो, उनका डंडा करके शासन करके, मेरे गुरुदेव यही बोलते थे, हम लोग जो स्नेह मान प्रणय हम गुरुदेव इतना जरूरत नहीं, केवल एक जीवन मेरे गुरुदेव कहते थे एक जीवन गुरु वैष्णव का चरण में पड़े रहो। एक जीवन अगर ऐसे बीत गया ना समझो तुम्हारे जीवन धन्य हो गया, संस्कार बनेगा, यही संस्कार फिर अगले जीवन में तुम्हें भजन करेगा, भजन में मदद करेगा। इसलिए सब वैष्णव हमारे ऊपर आशीर्वाद दे, सबको जैसे कृपा हो और हम एक जीवन गुरु वैष्णव का चरण में पढ़ कर गए और किसी तरह से भजन करें। बादशाह कृपा।